हेलो गाइस मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ रैन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रैन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आज मैं आपको बताऊँगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रैन फेड कंडीशन वह कृषि जो पूर्ण रूप से वर्षा आधारित होती है जहाँ पे कृषि हम सिर्फ वर्षा के द्वारा ही करते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल नो इरीगेशन सोर्सेज जहाँ पे सिंचाई के कोई साधन ना हो फॉर एग्जाम्पल कैनाल वेल ट्यूबवेल एंड रिवर जहाँ पे कैनाल वेल ट्यूबवेल और रिवर नहीं हो नो इरीगेशन सोर्सेज ऐसी कृषि को ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में बी क्लासीफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेन फॉल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को तीन प्रकार से क्लासीफाइड कर सकते हैं किसके आधार पे वार्षिक वर्षा के आधार पे नंबर एक ड्राई फार्मिंग नंबर दो ड्राई लैंड फार्मिंग नंबर तीन रेनफेड फार्मिंग आज मैं आप लोगों को पढ़ाएंगे ड्राई फार्मिंग ड्राई फार्मिंग क्या है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 हंड्रेड फिफ्टी एम एंड क्रॉप फेलर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड आर मोस्ट कॉमन ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड रीजन्स विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड इन दिस रीजन वह कृषि जहाँ पर वार्षिक वर्षा सात सौ पचास एम एम से कम होती है ऐसे कृषि को ड्राई फार्मिंग कहते हैं इस प्रकार की क्रश में अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम अपनाया जाता है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम अपनाया जाता है और इस प्रकार की क्रस में पचहत्तर डेज से कम समय में पकने वाली फसलों को बोया जाता है जिसका क्रॉप ड्यूरेशन लेस देन फाइव डेज होता है इस प्रकार की कृषि में मॉइस्चर कंजर्वेशन अपनाया जाता है जिससे मॉइस्चर भूमि में पर्याप्त बना रहे ओके गाइज